हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। मैंने कल आपको काम दिया था, कोई काम ही नहीं दिया था। कौन सा क्वेश्चन? कहाँ का था? हाँ, आने वाला टाइम में वेट एंड वॉच। हम लोगों ने एपी में एएम तक कर लिया था, एएम हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी तक आ गए थे, है ना। थोड़ा सा स्पीड में लेंगे अपन चीज़ों को। पिछली बार मैंने आपको एपी की प्रॉपर्टीज में कुछ काम की प्रॉपर्टीज जो बताई दी थी, एक बार ज़रा दोबारा से याद कर लें आप। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो एपी जो होती है उनका डिफरेंस भी एपी होती है और उनका, और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एपी के सभी एलिमेंट्स में एक ही कॉन्स्टेंट जोड़ोगे, घटाओगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार आने वाली सीरीज भी एपी होगी। एपी में एक और खास बात होती है, फर्स्ट एंड लास्ट का सम जो होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम के बराबर होता है। बाकी चीज़ें सारा सम का फार्मूला हमारे को पता है, एन चीज़ों का, एन नंबर्स का सम कितना होता है, उनके फार्मूले के बारे में आइडिया हो गया, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अपना अगला, इफ ए वन ए टू ए थ्री टू ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर्स विच आर इन एपी, देन प्रूव दैट वन अपॉन ए वन ए एन प्लस वन अपॉन ए टू ए एन माइनस वन प्लस वन अपॉन ए थ्री ए एन माइनस टू एंड डेटा डैश प्लस वन अपॉन ए एन ए वन इज इक्वल टू टू अपॉन ए वन प्लस ए एन मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस डेटा डैश वन अपॉन ए एन। राइट है? हाँ भाई, वैसे अगर गौर से देखा जाए तो मुझे एपी के सीक्वेंस के लिए ये प्रूव करना है। राइट है? ये प्रूव करना है ना। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर थोड़ा हेर फेर कर दूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं से टू टाइम्स वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू से लेकर के वन अपॉन ए एन छोड़ देता हूं, और इसमें से ए वन प्लस ए एन जो नीचे है उसको यहां ले आता हूं मल्टीप्लाई में। ऐसा कर सकता हूं? बात सही है? ऐसा कर लेते हैं। पहले आपको समझ में आ गया मैंने क्या चेंज करे? चेंजेस पकड़ में आ गए, क्लिक है ना। हाँ भाई, दूसरी बात ये, अरे इतना तो पकड़ में आ गया ना कि आखिरकार जो प्रूव करना है मैंने उसका थोड़ा सा शक्ल बदल दिया है। नहीं पकड़ में आया? बस फिर काम खत्म हो गया। अब मैं इसका एलएचएस उठा रहा हूं। अगर मैंने इसका एलएचएस उठाया तो ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो मैं एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। राइट है? अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां पे दिखेगा ए वन प्लस ए एन डिवाइड बाई नीचे कितना ए वन ए एन। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ए वन प्लस ए एन की जगह ए टू प्लस ए एन माइनस वन लिखूंगा, क्योंकि आपने अभी अभी मेरे इस बात पे हाँ भरी थी कि फर्स्ट एंड लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट का सम होता है, तो मैं ए वन प्लस ए एन की जगह इतना लिख सकता हूँ। क्या ये बात पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? आ गया। तो मैंने ऐसा लिख दिया ए एन माइनस वन, श्योर। और ऐसे ही मैं अगले वाले के लिए लिख दूंगा थर्ड और थर्ड लास्ट का सम। ये बात सही है क्या? ए थ्री इंटू ए एन माइनस टू। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट आएगा उसमें वापस ए एन प्लस ए वन लिख लूंगा। अरे आपको स्ट्रेटजी पकड़ में आ गई ना? कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई कराए, और मल्टीप्लाई करते इस टाइम पे प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा है। और अब आपको बताया कि मैं जिस दिन इसकी डिवाइड इसमें करूंगा, राइट है भाई,
यहां पे रह जाएगा 1/a1 प्लस 1/an। अब इतने बुरे दिन तो नहीं है ना कि आपसे डिवाइड तो नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है क्या? जिस दिन इसका डिवाइड इसमें गया 1/an-1 रह गया, और यहां रह जाएगा 1/a2, यहां पर रह जाएगा 1/an-2, यहां रह जाएगा 1/a3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन लास्ट में हो चूंगा यहां रह जाएगा 1/a1 प्लस 1/an। अब बताइए 1/an कितनी बार? 1/a1 दो बार, हर एक जना दो बार, तो मैं लिख देता हूं 2 times, एक एक बार लिख देता हूं सबको। क्वेश्चन खत्म। नहीं इसमें क्या मुश्किल काम था बताइए? बस मैंने सिर्फ क्या किया, एक जने को उधर भेजा और मल्टीप्लाई करते टाइम पे थोड़े स्मार्टली, है ना, a1 प्लस an की जगह a2 प्लस an-1 प्लस a3 प्लस an-3 ऐसे बदलता चला गया, हर एक जने को उसकी सहूलियत के हिसाब से देता चला गया, फिर डिवाइड लगा दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कहानी पकड़ में आई? दिखने में जरूर डरावने होते हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन होते नहीं है, एपी बहुत फैंटास्टिक चीज है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। बिटवीन A1, between ये if A1, A2, A3 to AN are in AP, then show that 1/√A1 plus √A2 plus 1/√A2 plus √A3 and --, 1/√An-1 plus √An is equal to n-1/√A1 plus √An. थोड़ी सी देर के लिए आपको रोक रहा हूं ताकि आप दोनों एक साथ कॉपी कर लेना। ये तो पता चल गया सीरीज एपी की है, ये इसके बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ करने के टाइम पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? LHS लेते हैं। LHS ले लिया, LHS में दिखने में डरावना है लेकिन आमको पता होना चाहिए ऐसी चीजों से आपका आमना सामना कई बार हुआ है। ये और बात है कि अभी आपको मेरे बगैर स्ट्राइक नहीं कर रहा, वरना इसको देखते ही मन में एक ही भाव आता है मैथ्स में, किसके साथ? रैशनलाइजेशन कर दिया जाए। अगर मैं रैशनलाइज करता हूं तो रैशनलाइज करते ही ऊपर कितना आ गया? √A1-√A2, और नीचे कितना? A1-A2। नहीं है, इसमें रैशनलाइजेशन करते ही A2-√A3 अपॉन में नीचे कितना? A2-A3। उसी प्रकार अगले वाले में आ जाएगा √A3-√A4, और नीचे कितना? A3-A4, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब लास्ट में पहुंचूंगा तो √An-1-√An अपॉन में कितना? An-1-An। क्या कहते हो आप? क्या आपको नीचे दिख रहा है -D? क्योंकि A2-A1 तो D होता है, ये कितना है? -D। और ये सम माइनस डी है तो कॉमन क्या आएगा? माइनस का 1/d। वेरी गुड, माइनस का 1/d कॉमन आ गया। क्या छूट गया दुनिया में? √A1-√A2 प्लस √A2-√A3 श्योर प्लस √A3 माइनस में कितना? √A4। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना? √An-1-√An। ये तो होगा, आपको तो पता चलेगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये किसी से कटेगा, इसी प्रकार प्लस वाला इससे कटेगा। मार्केट में सिर्फ दो पंछी रहे, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना भाई? अगर आप ढंग से देखेंगे तो फिर से दिखेगा √An-√A1/d। नहीं समझ में आया? क्लिक करा आपको? अगर ये समझ में आया तो अब आपके पास में फिर से एक चॉइस, मैं इसको लिख रहा हूं An-A1 अपॉन में नीचे कितना? D(×) में √An+√A1। सोचो क्या किया होगा, दिख गया? अच्छा, आप में से किसी को ध्यान है एनटम का फार्मूला? बोलो A1+N-1 × D लिख दूं, तो इसकी जगह कितना लिख दूं? A1+N-1 × D लिख दूं, और पीछे क्या है? -A1 अपॉन में कितना? D(×) में कितना? √An+√A1। ये दोनों कट गया, डी से डी कट गया, फाइनली क्या रह गया आपके पास में? N-1/√An+√A1। ये तो होगा, हो गया प्रूफ।
हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आइए। हाँ भाई अगला क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, मतलब आपको कभी भी मिल सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल में दे रखे हैं, देख लिया आपने, है ना, तो ये जिसकी नजर में आ रहा है कितना एक्स, किसी को पता है इसके मल्टीप्लिकेशन, बोले तो 15x2, सही है, 15x का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन खोलने पर कितना, 5y का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन खोलने पर 15z का स्क्वायर, आई थिंक ये 9 नहीं होगा, कुछ और होगा फिर तो, इतना क्लोज, अरे वाह, ये 9z स्क्वायर ऑलरेडी अलग है, सही है ना भाई, तो ये कितना हो गया 3z का होल स्क्वायर, सही है क्या भाई। अच्छा अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 75xy प्लस में कितना 15yz, सोच लिया आपने, प्लस में कितना 45xz, पक्का यहां तक की बात पकड़ में आ गई, नहीं आई। अच्छा मैं सारी चीजों को थोड़ा अरेंज करता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना, 15x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है 3z का स्क्वायर, बराबर है, माइनस में ये 75 को जब मैं उधर लेके जा रहा हूं ना, तो 75 को जानबूझकर लिख रहा हूं 15x * 3y, हां 5y, सोच लिया आपने, 15yz को उधर ले जाते समय माइनस का 5y * 3z, सोच लिया, 45 को उधर ले जाते समय लिख रहा हूं माइनस का 15x * 3z, सोच लिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब जिनकी नजर इस बात पे आ गई कि मैंने जो लिखा वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0 लिख दिया। क्या आप ये जानते हैं ये लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू में ब्रैकेट में इसके बाद 1/2, ये आपका पेज नंबर 5 लॉक की एक्सरसाइज याद आया, मैंने कहा था लिख के रख लेना, ये जब काम आता है तो बहुत शानदार काम आता है। अब यहां पढ़िए a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0 हो रहा है, इसको मैं लिखता हूं 1/2 कर्ली ब्रैकेट, यहां पे लिखता हूं 15x माइनस 5y का होल स्क्वायर, यहां लिखता हूं 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, यहां लिखता हूं 3z माइनस 15x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दूं। और आपके में से कईयों को ध्यान होगा कि तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब यह कि तीनों एक साथ 0 हुई है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं 15x माइनस 5y इक्वल टू 0 एट ए टाइम एंड 5y माइनस 3z इक्वल टू 0 उसी टाइम पे 3z माइनस का 15x इज इक्वल टू 0 यही हुआ। और अगर ये तीनों 0 हैं तो आप समझ सकते हैं कि 15x बराबर 5y और 5y इक्वल टू 3z, इसका मतलब मैं लिखता हूं 15x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3z, एक साथ लिख सकता हूं। और अगर मैंने ऐसा लिख डाला तो तीनों का एलसीएम 3 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15, अगर मैंने 15 से डिवाइड कर दिया तो 15x / 15 इज इक्वल टू 5y / 15 इक्वल टू मैं 3z / 15 ऐसा कर सकता हूं। तो आप में से कई लोगों को समझ में आ गया, इट इज x / 1 इक्वल टू y / 3 इक्वल टू z / 5 इक्वल टू k मान लो, तो आप में से कोई बताएगा कि x / z की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x इक्वल टू k, y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू, ये सब किस में, इन ap, कहानी पकड़ में आई या नहीं आई, दे आर इन ap। हालांकि लोग इतना बुरा सॉल्व नहीं करते, ऊपर से समझ जाते हैं कि अगर ये है बस यहां लिखा तीनों को इक्वेट कर देते हैं, इसको इतना नीचे तक कोई सॉल्व नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, वहीं से समझ में आया था आगे पीछे यही होना है, तो तीनों को इक्वेट कर लेना और आइडिया पड़ जाता है कि एपी है जीपी है एचपी है जो भी, राइट है।
अगले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल ले रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बता देता हूं। आपने कभी इस तरह की सीरीज के बारे में सोचा है? 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह की सीरीज सोची है? आपको समझ में आया इस सीरीज में क्या खास बात हो रही है? हर कोई जना, जो भी अगला जना है, वो दो दो से मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं। माने सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं और आपको एक सीरीज मिलती आ रही है, राइट है ना भाई? और कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता था। आप ऐसा भी सोच सकते थे 2, -4, 8, -16, 32 एंड सो ऑन। क्या अभी भी जीपी मिली? आप में से कोई सोच सकता है हर बार मैं टर्म्स की किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? -2 से। क्या -2 से मल्टीप्लाई करने पर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा बताइए साहब, क्या आप इसे भी समझ पा रहे हैं क्या? क्या अगर भाई देवी ये होता 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, अब की बार मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 1/2 से। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि मैं जो भी सीरीज बना रहा हूं वो मल्टीप्लीकेशन से आ रही है, सही है ना? इसका मतलब जब भी ऐसी कोई सीरीज मिलेगी जिसमें हम लोग एक ही कॉमन टर्म की हर बार मल्टीप्लाई करते जा रहे होंगे, तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे ना? जीपी। ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस हो रही है, माने आपने हर बार एक ही कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा है। ये बात पकड़ में आई? अगर आपको ये छोटी सी बात पकड़ में आई तो हम लोग जब जीपी की बात करेंगे तो जीपी के अंदर बेसिकली हम लोग पहली जब हमारे को डेफिनेशन में लिखना होता है तो डेफिनेशन में यही लिखते हैं कि व्हेन द रेशियो ऑफ टर्म, जब भी टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म का रेशियो मेंटेन रहे। टर्म और उसकी पिछली टर्म का मतलब क्या हुआ? लेट से ये टर्म है, ये टर्म और उसकी पिछली टर्म, इसका रेशियो कितना हुआ? 8/4। अच्छा, ये टर्म और उसकी पिछली टर्म का रेशियो कितना हुआ? क्या ये मेंटेन है कि नहीं है? तो मैं ये कहूंगा कि हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से जिस रेशियो में थी उसी रेशियो में अगली टर्म भी है। तो ऐसी टर्म जो होगी, ऐसी जो सीरीज होगी, ऐसी जो सीक्वेंस होगी, वो क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, माने जीपी। कहानी पकड़ में आ गई आपको? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेडी? तो सबसे पहले ये तो एग्जांपल है, डेफिनेशन में डाल देना, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इन जीपी, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इन जीपी, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इन जीपी इफ रेशियो ऑफ द टर्म, ratio of the term and its previous term is constant. Ratio of the term and its previous term is constant. लिख लिया? सेकेंड नंबर पे लिखेगा, this constant ratio is called, this constant ratio is called कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। सो लिया मैं, है ना? थर्ड नंबर पे लिखिएगा, जीपी डिनोटेड बाय, ठीक है ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। बात समझ में आई? कैसे दिखाते हैं बलोक जीपी को? अब खास बात देखिएगा आप, ये कौन सा टर्म है ऐसा? ये सेकंड, ये थर्ड टर्म क्या है? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या है? तो सोचो जरा, टी एन कौन होगा? ए आर की पावर एन माइनस वन। क्लिक कर गया आपको? और टी एन बोले तो क्या कहलाता है? लास्ट टर्म नहीं कहलाता, कुछ और नाम भी था, एनेटम या एनेट्रम या नहीं जनरल टर्म। आप दिमाग में अभी तक बैठा नहीं ना? देखो, आप टी एन बोले तो एनेटम
या कहलाएगा जनरल टर्म, जनरल टर्म। अगर भाई देवे किसी ने पूछा कि टीएन क्या है भाई, तो हमारी तरह से जवाब होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। क्या ये बात पकड़ में आ गई? तो पहला तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो भी है, थर्ड चल रहा है ना, थर्ड पॉइंट ये हटाइए, चौथा पॉइंट ठीक है, चौथे पॉइंट की बताइए, पांचवे पॉइंट पे राइट है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है वो भी आओ उस पर भी बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अगर कई बार जैसे आपके मन में आया ना लास्ट टर्म, उसने मेरे दिमाग में जगाया ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, अगर लास्ट टर्म अगर एल है तो आप में से कोई सोच सकता है जैसे जस्ट पहले वाला टर्म एल बाई आर, उससे जस्ट पहले वाला एल बाई आर स्क्वायर सही है। तो अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया कि nth टर्म फ्रॉम एंड, तो मैं क्या जवाब दूंगा, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू में एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। सोचो nth टर्म फ्रॉम थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ये थर्ड टर्म है ना, तीसरा टर्म ही तो है एंड से, तो उसमें क्या लिखा है एल अपॉन आर स्क्वायर। तीसरे टर्म पे पीछे से तीसरा टर्म अगर चल रहा है तो लिखा है एल अपॉन आर स्क्वायर, एन टर्म चल रहा होता तो एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, यही लगता ठीक है ना। हालांकि बहुत रेयर केस में कोई इस पे क्वेश्चन बना ले तो बना ले, लेकिन फिर भी अपन तो सावधानी रखते हुए चलेंगे ठीक है ना। अब इसके नीचे हालांकि बोलना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन बोल अब रहे, ए कौन है फर्स्ट टर्म, एल कौन है लास्ट टर्म, आर कौन है कॉमन रेशियो, राइट है चलते चलिए। भाई अगले पे देखिए ठीक है, एक रिमार्क डाल दीजिएगा बस, एक रिमार्क बहुत जरूरी है ठीक है, लिखिएगा इफ ए सीक्वेंस इज इन, इफ ए सीक्वेंस और ब्रैकेट में डाल देना ए बी सी ठीक है ना, इफ ए सीक्वेंस ए बी सी इज इन एपी एंड जीपी बोथ, एपी एंड जीपी बोथ, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर कोई भी एपी और जीपी दोनों में तो हो सकता है साहब, जब ए बराबर बी बराबर सी हो, अगर ए बराबर बी बराबर सी हो गया तो कोई मेरे को बताएगा, अगर मैं इसको जीपी की नजर से देखता हूं तो मेरे दिमाग में आर आएगा, इसका आर कितना होगा वन, क्योंकि सारे कैसे हैं बराबर, आर इज इक्वल टू वन। कोई बताएगा डी कितना होगा जीरो, ऑब्वियस ही बात है, याद है मैंने पिछली बार आपको लिखा था डी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ऑल थ्री, याद है ना। तो इसके अंदर ये तीन ऐसे नंबर हो गए जो एपी और जीपी दोनों में, उल्टा भी समझिएगा कि कभी अगर बाय द वे जरूरत पड़ जाएगी तो हम लोग आर की जगह वन भी रखेंगे, इक्वल तो करेंगे करेंगे लेकिन साथ में ये भी करेंगे ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन आइएगा ठीक है, क्वेश्चन में लिखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन के अंदर विच टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 3, 6, 12, 24, विच टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 3, 6, 12 एंड 24 डैट डैट डैश 3, 0, 7, 2 लिख लिया, विच टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज 384 करिए। मैंने आपको बताया था विच टर्म जब भी यूज होगा आपको कैसे स्टार्ट लेना है, करो आप जो भी आपके दिमाग में आता है करिए फटाफट। एनेट टर्म फ्रॉम एंड याद आया मेरे को, क्या पता कौन सी टर्म है, तो मैंने आपको बता रखा है विच टर्म जब भी यूज होगा अपन क्या बोलेंगे, लेट
लेट nth टर्म, ठीक है ना भाई, लेट nth टर्म इज 384। भाई हमें क्या पता कौन सी टर्म है, तो हम तो कहेंगे nv टर्म है। nv टर्म कौन है साहब, लास्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए 3072 बोले तो l अपॉन में r की पावर कितना n माइनस 1, r कितना है ये ढूंढो आप, तो r यूं देखते हैं से r इज इक्वल टू कितना 2, तो 2 की पावर कितना n माइनस 1 एंड दैट इज कितना गिवन है 384। क्या आपको लगता है ये कैंसिल आउट हो सकता है, अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो शायद 8 बार चला जाएगा, सही है भाई, तो 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4, तो बताइए कौन सी टर्म बोलूं, फोर्थ टर्म नहीं है तो लिख लेते हैं फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 384। कहानी पकड़ में आई आपको, नहीं आई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ठीक है आप बताइए क्वेश्चन के अंदर फटाफट से, 18 - 12 8 - 512 / 729 फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोग्रेशन भाई। सबसे पहले पूछ लो आपसे, इसका ए कितना है, आर कितना है, -12/18, अरे इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म, माइनस का कितना 2/3, आर निकाल लिया, अपने को पता चल गया ये कहां जाके रुक गया, लास्ट टर्म ये रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए nth टर्म माने लास्ट टर्म कौन है भाई, 512/729 ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म होता कितना है, L इज इक्वल टू होता कितना है A इंटू आर की पावर n माइनस 1, और मुझे निकालना क्या है n, तो A की जगह कितना रखूं 18 इंटू में R की जगह माइनस का 2/3 की पावर कितना n माइनस 1, एक सॉल्व ही तो करना है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास में इसको लेके एक जानकारी है, इट इज नथिंग बट 2^9 और ये लिखा हुआ है 3^6, नहीं लगता आपको, अच्छा इंटो के अंदर इज इक्वल टू में यहां पे सामने से -2/3 की पावर n माइनस 1, 18 का डिवाइड लगा रहा हूं, 18 का डिवाइड का मतलब कितना होता है, 18 का मतलब होता है 3 × 2 का स्क्वायर या 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 2 से कम करता हूं तो 8, आपको ये लग गया नहीं क्या 2/3 की होल पावर 8 हो रहा है, सोचो नहीं हो रहा क्या, इज इक्वल टू में सामने क्या चल रहा है -2/3 की पावर कितना n माइनस 1, अच्छा जिस आठ उसमें अंदर प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ता भाई, याद है ना पावर अगर 8 है तो इसका मतलब प्लस हो चाहे माइनस हो बैलेंस कर लेगा वो, तो इसका मतलब मैं क्या इसे ये भी लिखता हूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू -2/3 की पावर 8, ये और ये तो एक ही बात है, तो मैं ऐसा लिखने में क्या गलती करो, -2/3 की पावर कितना n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना 9, तो कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स की सीरीज है, इस पूरी कहानी में एन एट टर्म पता दी, बताओ आपको सिर्फ फाइट एन के लिए लगानी है, अगले क्वेश्चन पे आओ, चला गए है ना, अगले क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन है सेकंड थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी फॉर्म और जीपी, ठीक है भाई, फाइंड कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म ऑफ एपी सोच लोगे आप लोग, हाँ वेरी गुड, अभी भी याद है कईयों को, T2, T3 और T6 किसमें दिया हुआ है, जीपी में राइट है ना भाई, T2 किसका एपी का, इसलिए एपी की जगह कितना लिख दूं ए प्लस डी, ये क्या दे रखा है ए प्लस, ये क्या दे रखा है ए प्लस 5D, और ये सब किसमें
जीपी में। अच्छा, जीपी की कोई खास बात वो सुनो आप। जीपी की खास बात ये कि इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आई? बात नंबर एक, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, इस बात को यहां समझा रहा हूं। इजिकल टू सी बाई बी होगा, नहीं आई समझ में? बी में ए का डिवाइड करो उतना ही रेशो बनेगा जितना सी में बी का डिवाइड करोगे तो भी। कहानी पकड़ में आई आपको? तो बी बाई ए इजिकल टू सी बाई बी। कुछ लोग इसे बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी भी बोलते हैं। कहानी पकड़ में आई आपको? और हम भी यही बोलेंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे एबीसी अगर एपी में तो बीच वाले का स्क्वायर इजिकल टू किनारे वालों की मल्टीप्लाई। तो आप बताइए ये तीनों अगर जीपी में तो इसका मतलब क्या? ए प्लस टू डी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस डी इंटू ए प्लस फाइव डी। आपका काम क्या है, आपको क्या निकालना है बोले तो डी सॉल्व करके निकाल लोगे। करिए सॉल्व और बनाइए। डी अगर एक ही टर्म्स में भी निकले चलेगा। देखते हैं, मिला लें जरा, जिन लोगों ने बना लिया उनको पता है ए स्क्वायर प्लस में ये कितना बन गया 4d स्क्वायर प्लस 4ad इजिकल टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 6ad प्लस में कितना 5d का स्क्वायर। श्योर ए स्क्वायर से स्क्वायर तो कट गया, इसमें से एक काम करते हैं हमारे पास में इधर रह गया 2ad राइट है 2ad और उधर जाकर के कितना माइनस का डी स्क्वायर। तो अपन एक काम करते हैं माइनस को तो इधर रवाना करते हैं और डी से डी काट दें तो डी इजिकल टू कितना निकल गया माइनस टू ए। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इजिकल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। बात समझ में आ गई? खैर एनीवे अपने को इससे क्या अपना आंसर आया, अपन चले अगले क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, देखिए धीरे 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 अपन इसमें अंदर एंटर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इफ एवरी टर्म ऑफ अ पॉजिटिव टर्म If every term of a positive number of a GP is equal to sum of preceding terms, then common ratio of GP question mark बनाइए। बनाया, मिला लेते हैं आपको। इसमें बहुत ज्यादा दूर तक कुछ भी फैलाने की जरूरत नहीं है। इफ एवरी टर्म ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ GP ठीक है ना इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिसीडिंग टर्म। प्रिसीडिंग माने आने वाली नहीं या पिछली वाली? पिछली वाली। तो मेरी तरफ से मैं आपके सामने दो तीन टर्म लिख लेता हूं T1 T2 T3 ले लूं। आपके लिए मैंने ले लिया A AR AR स्क्वायर, ये तीनों किसमें? जीपी में। अब बताइए क्वेश्चन में कैसे एंटर होना, बताइए कौन किसके सम के बराबर है? बिल्कुल सही बात, AR स्क्वायर किसके बराबर है? A प्लस AR के। ये बात आप समझ गए, इसका सीधा मतलब R स्क्वायर बराबर R प्लस 1। सही है, मेरे को तो आर ही तो निकालना है क्वेश्चन में, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं आर स्क्वायर के बहुत ज्यादा करीब चला गया? ये तो आर इजिकल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। और क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 और एक है 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। क्या ये बात सही है? अब आप बताइए मैं इनमें से किसको चुनूं? क्यों पॉजिटिव? पॉजिटिव जीपी, ध्यान है, तो पॉजिटिव नंबर ऑफ जीपी तभी मिलेगी जब इससे बात उठेगी। तो कहना था इसको टाटा, इसको हाँ हाँ। कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? इसमें क्या है ना, स्टूडेंट बहुत दूर तक निकल जाता है, T1 से लेकर TN सब बांध देता है, ठीक है, और आपको पता चलता है बाद में अरे ये तो दो से ही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। मेरे को आपको इसमें जीपी में कोई बड़े क्वेश्चन कराने की जल्दी नहीं है, बड़े क्वेश्चन जिस मौके पर मैं शुरू कर दूंगा ना हो जाएंगे वहीं से,
लेकिन पहले आपको धीरे 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 एक बार आप समझ जाओ। 11th क्लास में यही मजा है। रेडी? नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, ठीक है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। सही है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। बड़े ध्यान से समझना, इसमें मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं। सही है, इस टेबल में एक ए लिख रहा हूं, एक आर लिख रहा हूं। ए के बारे में सुनना, ए आपका मैं जानबूझ करके 0 से 1 में ले रहा हूं। उम्मीद है आप समझ गए कि मैंने आपका फर्स्ट टर्म कोई छोटा मोटा नंबर लिया है 0 से 1 के बीच का, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ, ठीक है ना भाई? और मैं आपका जो आर ले रहा हूं वो 1 से बड़ा ले रहा हूं, राइट है? जैसे मैंने आर के नाम पे कोई क्या लिया, कोई लो 1 से बड़ा आर 2। अब जरा अपन जीपी बनाते हैं। मैंने कहा लेट से मैंने ए इज इक्वल टू 1/2 लिया और आर इज इक्वल टू 2 लिया। बताइए साहब, पहला नंबर पे क्या लिखूं? 1/2। अगले नंबर पे 1। अगले नंबर पे आराम सोचो आप, 1/2 × 2 का स्क्वायर, बोले तो कितना 2। अगले नंबर पे 4। अरे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बताइए जीपी बढ़ती हुई मिल रही घटती हुई? बढ़ती हुई। इट इज एन इंक्रीजिंग जीपी। बात समझ में आई आपको? अब मैं एक काम करता हूं, बड़ा ध्यान से समझना। मैं अपनी तरह से ले रहा हूं, ए की वैल्यू 1 और 0 में और आर की वैल्यू भी 0 से 1 में, राइट है? ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस दिखा रहा हूं बड़े ध्यान से, ए की वैल्यू 0 से 1 में ले लिया, जैसे ए इज इक्वल टू 1/2 और आर इज इक्वल टू भी 1/2 ले लूं। अब जल्दी से बताओ सीरीज क्या बनी? पहला नंबर पे 1/2, अगले नंबर पे, अगले नंबर पे, अगले नंबर में 1/2। कम हो रही है ज्यादा हो रही है? दैट इज अ डिक्रीजिंग जीपी। क्या आपकी कहानी पकड़ मारी है? नहीं आ रही? नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से ए की वैल्यू 1 से बढ़ा रहा हूं। रेडी? ए की वैल्यू 1 से बड़ी कर रहा हूं, कर दूं? अगर मैंने ए की वैल्यू 1 से बड़ी कर दी और आर की वैल्यू भी 1 से बड़ी करी, तो मैं वैसे ही बोल देता हूं इंक्रीजिंग मिलेगी। आप रख के देख लेना। अब मैं कर रहा हूं ए की वैल्यू 1 से बड़ी और आर की वैल्यू 0 से 1 में, देख लेते हैं। मैं जानबूझ करके चौथे को लिख रहा हूं। ए की वैल्यू जैसे मैंने 2 ले ली, ले लू आर की वैल्यू 1 से 0 के बीच, बोले तो आर इज इक्वल टू कितना ले लिया? 1/2। पहले नंबर पे कौन आया? 2। अगले नंबर पे 1। अगले नंबर पे, क्या कहते हो आप, कैसी जीपी मिली? डिक्रीजिंग जीपी। क्या आप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बीच में फर्क समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना आसान है, मेरे अपनी तरह से कोई केस नहीं याद करा, मैंने सिर्फ सोचा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ए कैसा हो सकता है? ए या तो 1 से बड़ा हो सकता है या ए 0 से 1 के बीच हो सकता है। वैसे ही आर भी अपने आप में 1 से बड़ा या 0 से 1 के बीच, आर 1 से बड़ा या 0 से 1, रख रख करके चेक कर लिया, तुरंत पता चल गया इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग कब। कहानी पकड़ मारी या नहीं आ रही? ऐसा, ठीक है भाई? अच्छा, हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग है दिमाग को। क्वेश्चन है इफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए स्क्वायर बी की पावर 3, सी की पावर 4। यहां दे रखा है ए क्यूब बी की पावर 4, सी टू द पावर 5 आर इन ए पी, राइट है? देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट है? ए प्लस बी प्लस सी करिए फटाफट, किसी एक से भी बना क्या? क्या रहे? चलो सोच लेते हैं। देखो भाई, सीधी बात है, अगर आपने ध्यान से देखा तो मैं आपको सीरीज दे के गया था, एपी बोल के गया था, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले जीपी भी है। जीपी का पता कैसे चलता है, ठीक है ना? चेकिंग जीपी, मैंने बताया जीपी में बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वालों की मल्टीप्लाई। इसका स्क्वायर बोलूंगा तो 1 की पावर 4, बी की पावर 6, सी की पावर 8। सोच लिया क्या है ये? किनारे वालों का मल्टीप्लाई है क्या? ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए क्यूब बी की पावर 4, सी की पावर 5। बोलो हाँ यार। देखो 1 की पावर 4 आ रहा है क्या?
बी की पावर 6 आ रहा है क्या? सी की पावर 8 आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब हमारे को पता लगेगा ये तो जीपी है ना, इट इज जीपी एंड एपी बोथ। और मैंने क्या बताया था, एपी और जीपी अगर ये दोनों हो जाए तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन इसका ए कौन है? ए बी स्क्वायर सी क्यूब इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब सी की पावर 4 इज इक्वल टू कितना? ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5। और ऐसा कौन सा है दुनिया के 3 नंबर आगे जिनकी कुछ भी डिग्री कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ और वो दूसरे के बराबर आ जाए? तो पॉसिबल ओनली व्हेन क्या? जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आपसे तो मिनिमम वैल्यू तो मांग रहा था, मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। कहानी पकड़ में आ गई आपको? एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन बैठे चलो। मैंने कहा था ना जब मैं अच्छे क्वेश्चन में आ जाऊँ तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहला बेस डाल लो अपना, कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि हमें से कुछ खास दोनों को ही जीपी आती हो। ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इसके बाद अगला टाइटल ले रहा हूं भाई, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। आइए इस पर भी बात करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। भाई इससे पहले कि मैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी बताऊं, पहले आप लिख लीजिए इसकी थ्योरी में लिख लीजिएगा, एनी सीक्वेंस हु इज एनी सीक्वेंस हु इज मेड बाय मल्टीप्लाइड made by multiplying a constant number can be summed up by writing the series है ना, W R I T I N G, by writing the series and again writing it by multiplying constant number using method of difference and add them लिख लिया। अब ये कुछ भी समझ में नहीं आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो इधर दिमाग लगाओ। देखिए साहब कोई भी ऐसा सीक्वेंस, ये हम लोग जीपी की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हमारे को मिसलेनियस सीरीज में भी ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे जब आपको फील आएगी यार ये जीपी तो नहीं है, बट हाँ इसमें एक नंबर से बार बार मल्टीप्लाई जरूर है, बट इट इज नॉट जीपी, आप श्योर हो गए ये जीपी तो नहीं है सर, लेकिन इसमें एक नंबर से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी तो जीपी की बात कर रहा हूं, ए की हर बार मल्टीप्लाई आर से होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और अगर आपको जोड़ना पड़ जाए अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन, तो आप क्या कीजिए इसकी हर बार किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? आर से। तो आपने सीरीज लिखी एंड अगेन राइटिंग द सीरीज बाय मल्टीप्लाइंग द कॉन्स्टेंट नंबर, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? आर से। तो आर से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखो, लिख करके यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस,
जैसे आप आर की मल्टीप्लाई करोगे तो सब में आर की मल्टीप्लाई होगी। अब ये बन जाएगा AR. तो AR को यहां ना लिख के इसके नीचे लिखो। अच्छा ये बन जाएगा AR स्क्वायर, इसको सरका के लिखो AR स्क्वायर, ये बन जाएगा AR क्यूब एंड डैश, ये कितना बन जाएगा AR की पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा AR की पावर। समझ में आया? आपने R से मल्टीप्लाई करी और एक स्थान का धक्का दे दिया और सीरीज को दोबारा लिख लिया और अब क्या करो? घटा लो। जैसे आप घटाओगे s sn कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 माइनस r बचेगा। आपको पता है माइनस के टाइम पे क्या होगा? सारे उड़ जाएंगे। बचेगा कौन दुनिया में? a माइनस ar की पावर n। श्योर? s का sn का फार्मूला आ गया, a कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आ गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, sn is equal to a into r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। पकड़ में आया आपको? नहीं आया? आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं और अगर दोनों तरीके से लिख सकते हैं तो नॉर्मली हम लोग कब किसका यूज करते हैं? यूज तो आप दोनों में से किसी का भी कर लो, लेकिन कुछ बुक्स ने स्पेसिफिकली एक ट्रेंड सेट कर दिया जो कि गलत भी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब भी हमारा मॉड आर एक से बड़ा होगा। मॉड आर एक से बड़ा होने का मतलब समझ में आया? कभी किसी टाइम में हमने घोड़े की बात करी थी? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। मॉड आर एक से बड़ा होने का मतलब होता है जब आर की वैल्यू है ना या तो एक से लेकर के इन्फानेट के बीच हो, माने एक से बड़ी हो, या फिर माइनस इन्फानेट से माइनस वन में हो, या तो एक के उधर हो या माइनस एक के इधर हो। कहानी पकड़ में आई आपको? या तो एक के इधर हो या माइनस एक के इधर हो। तो जब जब भी आर की वैल्यू माने कॉमन रेशियो एक से बड़ा होगा तब आप इसका यूज करोगे, और जब जब भी कॉमन रेशियो एक से छोटा होगा आप इसका यूज करोगे। इसका मतलब जब आपका आर माइनस वन से वन में होगा। कहानी पकड़ में आई? अब जो बच्चे के दिमाग में जो सबसे पहला आता है वो ये कि सर जब एक और माइनस एक में तब इसका यूज करा, एक के उधर इसका माइनस एक के उधर भी इसका, सब जब आर बराबर एक हो गया तब क्या करूंगा? उसके मन में ये आता ही नहीं फार्मूले का क्या करना है, वो तो उसके लिए भाड़ में गया, ठीक है। उसके दिमाग में जाता है वेन मॉड आर इक्वल टू वन, तो बोला ही नहीं, ठीक है। जब मॉड आर की वैल्यू एक हो गई तो आप ये भी सोचो सारी सीरीज ए ए ए ए बन गई। एस एन इज इक्वल टू क्या बन गया? a प्लस ए कितनी बार? n बार। तो वैसे ही गिन देना, तेरे को क्या दर्द है? नहीं आया समझ में? तो r की वैल्यू 1 होने पे क्या दर्द है? वो तो वैसे ही गिन ले n a या माइनस n a। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? तो अपने पास में दो फार्मूले बने बहुत ही कमाल के और उनके खास केस बने, फार्मूला नंबर 1, ठीक है, और ये फार्मूला नंबर 2। हम लोग इनका यूज करेंगे डायरेक्टली, हम ये मेथड नहीं सीख रहे, ठीक है, ये तो सिर्फ हमारी कॉपी में दर्ज रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, फटाफट पहुंचिए। ये रोज इसी टाइम पे लाइट जाती है, इसका एसी ट्रिप हो जाता है, ठीक है, एसी ट्रिप होते ही वाट लग जाती है। हो गया? नहीं बना? हो गया? क्वेश्चन करते हैं अपन आगे। करिए फटाफट, पहले आपसे एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद में अपन थोड़ा अपग्रेडेड लेवल पे चलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स के लिए पहला क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। आपको मेरे को सम बताना है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 अप टू एन टर्म्स। करिए फटाफट से इसको शुरू कीजिए, ठीक है ना। सेकंड है फाइंड समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक 2 प्लस 3 टू द पावर k। करिए हाँ भाई, बना किसी का? पहले वाले का आंसर कितनों का आ गया? 1 2 3 4, बहुत डरे डरे से हाथ आ रहे हैं। सबसे पहले आपको इसका ए मिल गया भाई, कितना? आर कितना? 1 बाई 2 पक्का?
अपने पास में ए और आर आ गया। अब सोचने की बात क्या है वो सुनो आप। अगर आपके पास में ए और आर दोनों आ गया, ठीक है, इसकी बैटरी भी बहुत टाइम से गई है, ठीक है, एक जना बैटरी ले आना ना, इसके बाद चले जाना लिखने। ए इज इक्वल टू में इतना, सम ऑफ एन टर्म्स की अगर बात करी जाए तो पहले तो आप ये बता दो इसका आर जो है वो किस केस में आता है, एक से कम वाले एक से ज्यादा वाले, तो ये अपने आप में इस केस में आता है। अगर इस केस में आता है तो फार्मूला वैसे तो वो लगना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ भी लगा दो, ठीक है ना। आपको एन टर्म्स निकालना, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन बाई टू की होल पावर एन लगा दू अपॉन में कितना, वन माइनस वन बाई टू, सही है। क्या बचा, क्वेश्चन खत्म हो गया साहब। अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज टू टाइम्स वन माइनस वन बाई टू की पावर एन, डन। इससे तो कुछ नहीं है इसमें, आ गया आंसर नहीं है। अब ये क्या पंगा है सर, अरे समेशन माने क्या होता है, सम कितने टर्म्स का, टेन। तो देखिए साहब इसके दो टुकड़े करो, समेशन ऑफ टू समेशन ऑफ थ्री की पावर के, के की वैल्यू एक से लेकर के दस तक, यहां पर भी k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक। सुनो, दो तो कांस्टेंट बाहर चला गया, समेशन में कौन फंस गया, एक नहीं आया। अरे ये दो तो कांस्टेंट है ना, बाहर चला गया, समेशन में कौन रह गया, एक, और वो भी कहां से कहां तक, 10 तक। तब तक इसकी बात करते हैं, इसको जिसको खोलना आता है वो मेरे साथ खोलिए, k की वैल्यू 1-1 करके बढ़ाओ, 3 की पावर k, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक, 3 की पावर 10 तक। जल्दी बोलो इसका a कौन, r कौन, आर आर आर, हर बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही, 3। नंबर ऑफ टर्म्स बोलो 10, ये बात पक्की हो गई। कौन सा वाला आर है, एक से बड़ा है एक से छोटा, एक से बड़ा, एक से बड़े वाले के लिए फार्मूला कुछ भी लगा दो, कुछ भी, a into r की पावर n माइनस 1 लगा लेते हैं। चलो a की जगह कितना, 3 into में 3 की पावर n माइनस 1, बोले तो 10 माइनस 1 नहीं है, 9 माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना, 3 माइनस 1। अरे ये बैटरी गई ना इसलिए बज रहा, ये कहानी पकड़ में आई आपको या नहीं आई, नहीं आई, अरे फार्मूला हो गया। अगर बाय द वे जैसे किसी की बेताबी बढ़ी हुई है तो 3 की पावर 9 निकाल लेना, नहीं है। उधर वाले का क्या होगा, उधर वाले तो इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझदार हो तो आपको खट से नहीं आ जाएगा। ये आपसे एक 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 जुड़वा रहा है, कितनी बार, एक 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 10 बार जोड़ के कितना आया, 10, नहीं आई बात, कहानी पकड़ में आई। अरे क्या बकवास चीज जुड़वा, एक 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 10 बार, यहां कुछ रह गया, आर की पावर n, सही है, r की पावर 10 नहीं है, अरे r की पावर n है ना फॉर्मूला, मैं n माइनस 1 कर गया, ठीक है। तो आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। 20 प्लस साफ सुथरा लिखने का अलग नंबर है, इसको कितना लिखना है, 3/2 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1, क्वेश्चन खत्म। कर लोगे आगे, अगले बात जाते हैं, ठीक है, अगले टाइटल पे आओ। ये तो वह सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, आगे जाकर के आपको एक बढ़िया बात पता चलेगी, जब आप लिमिट कर रहे होगे, ठीक है ना, तब आपको पता लगेगा हमारे पास एक और टाइटल भी आएगा, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए साहब एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूं, इस पूरी कहानी में जो भी चलता है वो सिर्फ यही चलता है कि अगर आर की वैल्यू 1 से कम हो देन एस इनफाइनाइट, बोले तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना भाई। इसके अंदर r का 1 से कम होना जरूरी है, क्योंकि अगर r 1 से कम नहीं हुआ तो हर अगली टर्म पिछली टर्म से बढ़ के आएगी, नहीं आया समझ में, अगर अगली टर्म बढ़ के आएगी तो सोचो इनफिनिट तक जाते तो फिर सम करने की जरूरत ही क्या है, इनफिनिट ही हो गया। अरे इनफिनिट तक जाते बढ़ते बढ़ते वो खुद ही इनफिनिट हो गया आखिरी टर्म, सही है। मजा तो तब है जब धीरे 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 सीरीज कम हो रही हो, तब तो हम बताएं भी कि इसका आंसर क्या हो सकता है, नहीं है आपको मेरी कहानी पकड़ में, लॉजिक पकड़ में आ गया। तो इसमें हम लोग जिसके ऊपर बात करते हैं वो सिर्फ ये है सिंपल फार्मूला, कहानी पकड़ में एस एन इज इक्वल टू एस इनफिनिट। ये दिखने में कैसा दिखता है, कुछ नहीं, ए ए आर ए आर स्क्वायर से घटते घटते इनफिनिट। यार तुम हमारे को भी सिखा दो, एक मिनट सीख के आ जाओ यार, नहीं सीख लिया, नहीं नहीं बाहर है इसका खेल, ये बता दो थोड़ी ना किसी को, ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब मेरे को आप फटाफट से एक इनफिनिट सीरीज का सम बताओ, आप क्वेश्चन कर दोगे, आप क्वेश्चन है आप ही के लेवल का है, 1/3 1/9 1/27 दैट इज इनफिनिट, करो। हाँ भाई हो गया,
नहीं बना? बन गया क्या? ए कितना लिया ये बताओ आप तो। अच्छा दूसरा बताओ, आर कितना लिया? 1/3। क्या इस आर पर फार्मूला काम कर जाएगा? सोच के बोलना। एजिकल टू 1/3 और आर की वैल्यू भी 1/3 है। 1/3 पर ये फार्मूला काम करेगा? कैसे पता? ये तभी काम करता है जब वो एक से छोटा हो। तो मस्त काम करेगा साहब, नहीं आया तो फार्मूला कितना होगा? 1/3 अपॉन में नीचे कितना? 1 - 1/3। बोले तो कितना आ गया? 1/2। क्या ये कहानी पकड़ में आ गई? तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अगले पे जाओ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखिएगा। इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 5, ठीक है ना, एंड फर्स्ट टर्म इज एक्स, फर्स्ट ऑप्शन है देन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5, सेकेंड ऑप्शन है एक्स बिलोंग्स टू 0 to 10, थर्ड ऑप्शन है एक्स बिलोंग्स टू -5 to 5, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स बिलोंग्स टू -10 to 10। हाँ भाई बताइए कौन से ऑप्शन पे भागे हैं और क्यों? क्यों कर गया? हाँ भाई क्या बोला? सम ऑफ इनफिनिट जीपी इज 5, इसका मतलब एक बात पक्की हो गई। क्या हो गई? आर आर लेस देन वन। आगे बोलो आप तो। अरे इसका मतलब क्या इस लाइन का? सम ऑफ इनफिनिट जीपी इज 5। अरे एक्स अपॉन 1 - r = 5 है। नहीं खोपड़ी में घुसी। अरे किसी के इनफिनिट जीपी का सम 5 है, एक्स अपॉन 1 - r = 5 है। अच्छा इसका सीधा मतलब x बराबर कितना? 5 - 5r। और आप में से कुछ लोगों को ये याद भी होगा r के बारे में कुछ। क्या आपको पता है कि r की वैल्यू कहां से कहां में होती है? -1 से 1 में। सही है, तो कोई मेरे को बताएगा -5r की वैल्यू? यहां पे -5, यहां पे +5, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम गया क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है। अच्छा यहां -5 के आगे क्या जुड़ा हुआ है? +5, तो मैंने भी 5 ऐड करा दूं तो 5 - 5r करते इधर 0 और उधर 10। तो बताओ ये आपका कौन? x। अरे यही तो x है ना, तो x कहां से कहां में आया? 0 से 10, इसीलिए x बिलोंग्स टू 0 to 10, ऑप्शन सेकेंड। नहीं समझ में आया? कहानी पकड़ में आई? सम ऑफ इनफिनिट जीपी और इनफिनिट जीपी को लेकर के होने वाले छोटे छोटे चमत्कार। ठीक है वन लास्ट, नहीं नहीं अभी मैं 7:20 के आसपास ही छोड़ूंगा। ठीक है वैसे भी नीचे जाके आप आरती में लगोगे। इफ एस इज सम ऑफ इनफिनिट जीपी हूज फर्स्ट टर्म इज ए, then sum of first n terms question mark बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लेवल का पहला क्वेश्चन उठा। इन्फाइनाइट जीपी का सम कितना दे रखा है? s। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? क्या एक्स तो छूट गया ना उस क्वेश्चन में? ए अपॉन 1 - r = कितना है? एस। एक मिनट के लिए इससे पहले कि आप आगे चलो मैं आपको क्वेश्चन की भावनाएं समझा देता हूं। देखो साहब क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि अगर आप ऐसे धूल लोड़ाते हुए निकल जाओगे ना इन्फिनिट तक पहुंचोगे तो जो समय आएगा वो ऐसे नहीं आया, लेकिन बीच में कहीं पर ए आर आया, ए आर स्क्वायर आया, कहीं पर ए आर की पावर एन माइनस वन भी तो आएगा, फिर आगे ए आर की पावर एन भी आएगा और ये आगे चला जाएगा। नहीं है, कहता है अगर बाय द वे पूरी सीरीज का सम अगर एस है तो इसके इतने हिस्से का सम, इतने हिस्से का मतलब समझे एन टर्म्स
का सम कितना है? बात समझ में आई है नहीं आया आपको? कहता पूरे का मैंने सम दे दिया ऐसे, बताओ बीच के हिस्से का सम कितना होगा? तो हिसाब से देखा था, मना कर देता, मैं क्या पता, लेकिन पजल है, दिमाग का खेल है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि भाई इतने का सम देने ऐसे दे रखा है, इसका सम तो हम लोगों के पास में n टर्म्स का सम का एक फार्मूला, हम तो उसी से जाएंगे, तो हमने ऐड करा दिया। भाई इसके बारे में पूछ रहे तू, तो Sn इज इक्वल टू हमारे अकॉर्डिंगली तो a इनटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होना चाहिए था, सही है? एक बच्चे के दिमाग में है सर इसमें a अपॉन 1 माइनस r तो अपना s है सर, उतना तो अलग कर लो आप। मैंने कहा बात तो सही कह रहे भाई, ऐसे अलग करवा ले 1 माइनस r की पावर n, Sn इज इक्वल टू, ये बोलने वाला था मैं, फिर मेरे को याद आया कि Sn तो चलो मानने वाले ने पूछ लिया, s सामने वाले ने दे दिया, आर तो मेरे घर का है भाई, आर तो मैंने अपनी तरफ से सीरीज में मानना है, नहीं आया समझ में? तो अपना मानना हुआ आंसर थोड़ी छोड़ दूंगा, मतलब मेरे को यहां से आर को भी हटाना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप मैथ्स में वो समझ रहे हो जिसकी आपको 11 12 में सबसे जरूरत है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा क्वेश्चन कैसे होगा, मैं ये सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन का दिमाग कैसे पढ़ना है। भाई ये Sn कौन, n टर्म्स का सम मुझे लिखना ही पड़ेगा, s कौन क्वेश्चन में दिया है, अगले दिया है ना एस, मैंने अपने घर से थोड़ी लगाया, आर का दिया क्वेश्चन में, नाम तक नहीं लिया आर, तो ये आर कैसे छोड़ सकता हूं मैं आंसर में? नहीं है आपको मेरी बात समझ में? अब मुझे आर को हटाना पड़ेगा, अब आर को कैसे हटाऊं वो सोचना है मेरे को। अच्छा फर्स्ट टर्म यही दे रखा है, माने एक एक अगर कहीं लफड़ा होता तो एक का तो चल जाता, अब मेरे को तो आर हटाना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसका दोबारा यूज करूंगा और आपको बताऊंगा क्या कि ए अपॉन एस इज इक्वल टू 1 माइनस आर है, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई एस है। क्या मेरी बात पकड़ गए? अगर आप मेरी ये बात समझ में आ गई तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, Sn इज इक्वल टू एस इनटू में 1 माइनस ए बाई एस की होल पावर n, और मेरे ये आंसर छोड़ दूंगा। अब सॉल्व नहीं करना मेरे को, अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना, हो गया कहानी पकड़ में आ गई आपको। अब आपने ये सीखा कि क्यों आखिरकार वो डला, क्यों दिमाग में आया, अरे कैसे नहीं आएगा दिमाग में, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, देने वाले ने सिर्फ ए और एस दिया तो मैं कैसे आर में आंसर दे दूं, कहानी पकड़ में आ गई। अब आइए अगले पे, ठीक है, अनदर गुड क्वेश्चन, ठीक है। Assuming terms in GP bracket mein when multiplication is given tabhi use karna hai jab multiplication diya jaye warna use nahi karna। Assuming terms in GP भाई बात करें इससे आगे करें, देखिए साहब अगर भाई देवे कभी मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो ना और हमारे को सपोज करो तीन टर्म्स का मानना पड़ जाए, तीन टर्म्स याद है आपको, एपी में तीन टर्म्स मानते थे तो क्या मानते थे, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अब क्या मानेंगे, अब मानेंगे ए आर माने ए बाई आर, ए और ए आर, कहानी पकड़ में आई आपको। अगर बाय द वे वैसे तो चार टर्म्स का कभी पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कभी पड़ जाए तो a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, ar और ar क्यूब, ये मानना है आपको, राइट है? कैसे बदलता है, अरे मल्टीप्लाई कर लेना, इसके बता किससे मल्टीप्लाई हुआ कि ये आया r स्क्वायर, इसकी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ar, इसकी r स्क्वायर से कर, मतलब अपन बराबर जा रहे हैं, जीपी चल रही है बराबर, नहीं है? और जिस दिन तू चारों की मल्टीप्लाई करेगा तेरे को बताएगा एक ही बार फोर है क्या, बाकी सब कट गया, कॉमा में क्यों रहते हो, चारों की मल्टीप्लाई तो करनी है, नहीं है? एक ही बार फोर है जाएगा, आर से आर सब कट जाएगा, नहीं है?
अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। जब मेरे को 5 टर्म्स माननी हो तो क्या करोगे आप? अगर मुझे 5 टर्म माननी पड़ जाए तो इट इज वेरी सिंपल, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए ए आर और ए आर स्क्वायर, खत्म। वैसे हमारी सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जिसे मिलना होगा, जिस सबसे ज्यादा जिसे एनकाउंटर होगा वो ये 3 टर्म्स। अगली बात आते, हाँ भाई क्वेश्चन है, बस खत्म। इफ सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी एपी जीपी ठीक है इज इक्वल टू 19 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 216, फाइंड एस एन एंड एस इनफिनिट। हाँ भाई आपका क्या काम है? आपका काम है मुझे बताना, मैं इक्वेशन तक लेके जाऊंगा, आगे आपको डील करना है, राइट है? सबसे पहले 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स कौन सी है? लेट टर्म्स ए बाई आर, ए ए आर, जल्दी बताओ इनका प्रोडक्ट दे रखा है क्या? कितना होता है इनका प्रोडक्ट? इनका प्रोडक्ट कितना होता है? ए क्यू, ए क्यू बराबर कितना दिया है? ए बराबर कितना हो गया? 6, पकड़ में आ गया? अच्छा और ढूंढो आगे क्या बोल रखा है, तीनों का क्या दे रखा है सम? आपको पता है सम कितना होगा इन तीनों का? इन तीनों का सम नहीं आया समझ में? अरे ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर बराबर कितना दे रखा है? 19। अब लेकिन ए आया पड़ा है तो मैं क्यों मौका गवाऊं? 6 6 6, पूरी कहानी से कॉमन क्या आया? 6 6 6 को उधर भेज दिया, कितना रह गया? 13। नहीं आया आपके समझ में? कहानी पकड़ में आ गई? तो यहां मुझे रह गया 6 प्लस 6 आर स्क्वायर, एलसीएम लेना था, 6 तो उधर गया, एलसीएम आर स्क्वायर समझ में आ गया, अपॉन कितना आर जिसको मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली मेरे पास आ गया 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड आर, आर पता करो, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 16 इंटू 6 96, 4 इंटू 96 6 102 हो गया, 13 इंटू 6 102 होता है क्या? हाँ गलत आ गया ना, 4 तो बैठा ही नहीं, 3 by 2 और 2 by 3। अरे 36 को तोड़ना है, 36 को 13 को 36 बनाना है, 9 और 4 ले लूं? ये लोग कह रहे हैं इसको लिख लो 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे अपने पास आर इज इक्वल टू 1 तो आ जाएगा 3 by 2 और 1 आ जाएगा 2 by 3, प्लस कहीं आएगा ना? हाँ भाई अब आप बताओ इनफाइनाइट टर्म्स का सम किससे निकलता है? नहीं इससे 3 by 2 से निकलेगा या 2 by 3 से? कैसे पता? 1 से कम होना चाहिए ना, तो कहना मतलब ये कि एस इनफाइनाइट इज पॉसिबल ओनली फॉर आर इज इक्वल टू 2 by 3। आर इज इक्वल टू 2 by 3 अगर मैंने ले लिया तो आंसर नहीं आएगा, पहले ए भी तो लाना पड़ेगा, ए आया पड़ेगा अपने पास, कितना? 6 इनफिनिट। पहले तो एसएन की फॉर्म बोलो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू 1 माइनस 2 by 3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2 by 3, काम खत्म। अच्छा आप एस इनफिनिट बोलो, 6 अपॉन 1 माइनस 2 by 3, इसका मतलब 18 नहीं है, कहानी पकड़ में आई आपको? चलिए